हाय फ्रेंड्स, आप सभी का क्वेश्चन था और हर एक पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जब हम हमारे बच्चों को इतने दूर भेजेंगे कैंपस से दूर, तो वो वहाँ पर सेफ कैसे रहेंगे या 1 साल कैसा रहेगा, वहाँ पर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि नवगुरुकुल कैंपस में आपके स्टूडेंट्स किस तरह से सेफ रहते हैं। तो नवगुरुकुल के स्पेसिफिक कैंपस होते हैं, गर्ल्स के लिए गर्ल्स कैंपस होते हैं, बॉयज़ के लिए बॉयज़ कैंपस होते हैं। सेकंड चीज़ कि हर कैंपस में टीम मेंबर्स होते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल कैंपस में फीमेल टीम मेंबर्स होते हैं। कैंपस में पूरी तरह से सीसीटीवी कैमराज एंड सिक्योरिटी गार्ड होता है, कैंपस लॉक होता है इट साइड से। कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कैंपस में स्टूडेंट्स को फॉलो करना होता है कैंपस की सेफ्टी सिक्योरिटी और इस 1 साल के ड्यूरेशन में। तो उन रूल्स रेगुलेशन पे हम बात करते हैं, वो क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो नॉनवेज अलाउड नहीं होता है कैंपस में। दूसरा, हम स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए या हर एक स्टूडेंट से मिल पाए, इसलिए हर 60 डेज में रूम सफल करते हैं, जिससे आपको नए नए लोगों से के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, उनके कल्चर से सीखने का मौका मिलता है, उनकी स्टडी से भी सीखने का मौका मिलता है। थर्ड जो है, नवगुरुकुल का एक बहुत यूनिक मॉडल है जो स्कूल एंड कॉलेज से अलग है। तो एक हॉस्टल की तरह रन नहीं होता है, नवगुरुकुल एक कम्युनिटी की तरह रन होता है। यहाँ पे हर स्टूडेंट्स अपनी ओनरशिप लेता है। तो यहाँ पे कुकिंग, क्लीनिंग, स्टडी, सब कुछ कैंपस में सब कुछ स्टूडेंट्स ही मैनेज करते हैं। इससे वो अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल, ओनरशिप लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने आप पे, मैनेजमेंट स्किल्स, तो ये सब कुछ सीखते हैं इन्हीं के थ्रू। नवगुरुकुल कोर्स आपको जैसा पता है कि हम 4 साल का कोर्स, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल में होता है अलग कॉलेजेस में, नवगुरुकुल में वो 1 साल में कराया जाता है। तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है, टाइम ज़्यादा स्पेंड करना होता है पढ़ाई में। इसीलिए इस कोर्स के दौरान हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप का अदर इंगेजमेंट, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी नहीं कर सकते हो आप। आपकी जो कंटिन्यूस स्टडी चल रही है वो आप कर सकते हो, बट वो कैंपस उसके लिए आपको लीव प्रोवाइड करते हैं, बट वो कैंपस में आप वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते उसमें। गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी नहीं कर सकते हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट्स नवगुरुकुल आ रहा है उससे वो क्लियर होना चाहिए कि वो केवल यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहा है नवगुरुकुल में, और 1 साल में वो केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख सकता है। आपकी जब भी एग्जाम्स होगी, आप जो भी कंटिन्यूसली कोर्स कर रहे हो, जैसे ग्रेजुएशन है या वॉट एवर यू आर डूइंग, उसके लिए हम आपको लीव प्रोवाइड करते हैं। जब भी आपकी एग्जाम्स होगी आप जाकर पेपर दे सकते हो, एग्जाम्स के बाद वापस आकर अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हो। और एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है नवगुरुकुल का कि यहाँ पे दो सिस्टर्स एक साथ सेम कैंपस में नहीं रह सकते। यदि आपकी सिस्टर्स और आप सिलेक्टेड हैं तो आप अलग अलग कैंपस सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे बेंगलोर कैंपस या पुणे कैंपस, बट आप एक ही कैंपस में नहीं रह सकते।